What's up guys? खूबसूरती सिर्फ शक्ल से नहीं आती, और भी कुछ करना पड़ेगा मेरे भाइयों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आज तुम्हारा भाई तुम्हें मैग्नेट बनाएगा, सारी लड़कियां खींची चली आएंगी। तो भाई मैं तुम्हें आज दूंगा 5 टिप्स जिसे यूज करके तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो। तो चलो सख्त लौंडो, शांति की गोली गटक के शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, बी रियल। पता है लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपनी रियल साइड शो करने से डरते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी रियल साइड दिखा दी, अगर मैं जैसा हूँ वैसा दिखा दिया तो सब मुझ पे हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से तुम फेक बनने लगते हो। भाई तुम मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन ये जो तुम फेक बन रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा अगली लगता है। चलिए मान लेते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारे कोई दोस्त ने घटिया सा मजाक किया है और तुम्हें पसंद नहीं आया है, फिर भी तुम हंसे जा रहे हो, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो कि वाह वाह क्या बात है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगे, उसे अच्छा फील हो। तो भाई तुम फेक बन रहे हो। भाई जैसे हो वैसे ही रहो। अगर तुम्हें हिप हॉप से ज्यादा सैड सॉन्ग पसंद है, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने अच्छा लगने के लिए सुन ही लेते हो ना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा मत करो कि आपको फेक बनना पड़े। अगर तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे ना, तब भाई तुम्हारी पसंद और नापसंद की रिस्पेक्ट होगी। कोई भी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा यार कि इस बंदे में कुछ तो बात है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 2, टॉक विद अ पर्पस। टॉक विद अ पर्पस का मतलब कुछ ऐसा बोलो कि तुम्हारी बात का कुछ मतलब भी निकले, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में कुछ मतलब है तभी सामने वाले को आपकी बात अच्छी लगेगी और तुम्हारी बात मानेंगे भी। एग्जाम्पल, सारे दोस्त मिलकर कहीं जा रहे हो और जिस रोड से जा रहे हो वहाँ पे ट्रैफिक है और वो बात तुम्हें पता है, तो अगर तुम कुछ इस तरीके से कहोगे कि भाई उस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो तुम्हारी बात सब मान तो लेंगे लेकिन इतना भाव नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी बात इतनी इंटेंस नहीं लग रही है। लेकिन अगर तुम कुछ इस तरीके से कहोगे कि भाई अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इस रास्ते से जाएंगे, अगर तुम कुछ इस तरीके से कहोगे तो सामने वाले को आपकी बात में मतलब नजर आता है कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये वो सब, इस वजह से सब तुम्हारी बात मानेंगे और अथॉरिटी तुम्हारे पास आएगी। और हम सब जानते हैं जिसके हाथ में सत्ता उसके हाथ में जनता। नंबर 3, लिसन विथ इंटरेस्ट। अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी बात सुने, तो भाई पहले तुम सबकी बात ध्यान से सुनने की आदत डालो, क्योंकि जो हमारी बात इंटरेस्ट के साथ सुनता है ना भाई, वो हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है यार। जो हमारी बात में इंटरेस्टेड होता है उसे हम पसंद करने लगते हैं। तो अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी बात में इंटरेस्ट शो करो। अगर उसकी बात आपको अच्छी लग रही है तो उसे अप्रिशिएट करो, स्माइल करो, हंसो और उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करो। ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है यार, सामने वाले को ये लगता है कि हाँ यार मेरी बात सुनने वाला कोई तो है, ये बात इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 4, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना कॉन्फिडेंस की निशानी है, इसलिए आई कांटेक्ट रखना अट्रैक्टिव माना जाता है। इट शोज दैट कि आप उसकी बातों में एंगेज हो रहे हो, तो ये चीज ना भाई आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन मैंने कहा कि आई कांटेक्ट रखना कॉन्फिडेंस की निशानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को घूरे जा रहे हो। कई बार स्टिल आई कांटेक्ट रखने से ना भाई सामने वाला इरिटेट भी हो जाता है, तो सामने वाले को घूरना नहीं है। लेकिन आप कुछ इस तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन रखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले आपको लेफ्ट आई में देखना है, कुछ सेकंड बाद आपको राइट आई में देखना है, और उसके कुछ सेकंड बाद आपको लिप्स पर देखना है। फिर से वही साइकिल शुरू, लेफ्ट आई राइट आई लिप्स, लेफ्ट आई राइट आई लिप्स। तो अगर आप इस ट्रायंगल मेथड को यूज करोगे तो ये आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगी और कॉन्फिडेंट भी बनाएगी। नंबर 5, फील अट्रैक्टिव। दूसरों को अट्रैक्ट करने से पहले ना भाई खुद को अट्रैक्टिव मानना पड़ता है। बी कॉन्फिडेंट और बी हैप्पी यार। घर से बाहर निकलने से पहले ना भाई आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से कहो कि भाई आज तू बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आज किसी से नहीं डरना है, फाड़ देंगे सबकी आज। या फिर अगर किसी लड़की से बात करने की ट्राई करने वाले हो तो वो बोलो तो भाई आज तो तुझे ये लड़की पसंद कर ही लेगी। ये चीज आपके एटीट्यूड में चेंज लाता है, इंस्टेंटली अट्रैक्टिव एटीट्यूड जगाता है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि भाई हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं, तो भाई अच्छे दिखने की ट्राई करते रहो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ यार, थोड़ा एफर्ट लगाओ अपने में और देखो क्या चेंज आता है। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आप में मैच्योरिटी दिखेंगी और इसलिए आपके हाथ में अथॉरिटी भी देंगे। ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं सबको अट्रैक्ट करती है। तो ये थी 5 टिप्स जो मेरे भाइयों को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप तुमको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
We'll be right back.